Hey, hi everyone, this is Mayank Kotharia, and today Institute has released the suggested answers for May 2018 exam. For the old syllabus paper, we are discussing in this video that there were lots of mistakes. Around 4 to 5 questions were not correct. Not exactly correct. मैं आपको सिर्फ ये बोल सकता हूँ कि दो से तीन क्वेश्चन थे जो कि मिसिंग इन्फॉर्मेशन थी उसके अंदर में, और एक दो क्वेश्चन थे जिसमें क्लेरिकल एरर थे. सो ये कुछ पांच छह चीज़ें जो थी जिसमें मिस्टेक्स थी वो हमने डिस्कस की थी एग्ज़ाम के अटैम्प्ट के बाद में. भी मैंने सजेस्टेड आंसर्स भी आपको दिए थे, उसमें जो हर क्वेश्चन हर आंसर के नीचे में रेड कलर से जो लिखा हुआ था वो मिस्टेक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी उस क्वेश्चन में. आज हम डिस्कस करेंगे कि इंस्टीट्यूट ने उन मिस्टेक्स का एग्जैक्टली किया क्या है, हाउ दे ट्रीटेड विद दोज मिस्टेक्स. देर इज़ नो क्लैरिफिकेशन सेपरेटली कि इंस्टीट्यूट इतने मार्क देगा, इंस्टीट्यूट उतने मार्क देगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, एक दो चीज़ें हैं जहाँ से आप अंदाज़ा ये बिल्कुल लगा सकते हैं कि आपको उस क्वेश्चन में अगर आपने सॉल्व किया है अजम्पशन लेके यू विल गेट द मार्क्स. हाँ, एक चीज़ कंफर्म है, मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ, अगर आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है आपको कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले. अगर आप ये बोल रहे हो कि सर क्वेश्चन में हम बहुत हड़बड़ा गए थे, हमको पता नहीं था कि इसमें करना क्या, क्योंकि इन्फॉर्मेशन मिसिंग थी, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका था और वो क्वेश्चन हमने छोड़ दिया, तो उसमें कुछ इंस्टीट्यूट ग्रेस मार्क देगी क्या क्योंकि इंस्टीट्यूट की गलती है? नो, इंस्टीट्यूट इज नॉट गोइंग टू गिव एनी मार्क्स फॉर दैट. बट इफ़ यू हैव अटेम्प्टेड दैट क्वेश्चन टेकिंग सम अजम्पशन, देन यस यू विल गेट द मार्क्स. और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आने वाले सारे अटैम्प्ट्स में बेस्ड ऑन दिस, बिकॉज काफ़ी सारी मिस्टेक्स थी, तो इसको एक एग्जाम्पल की तरह ट्रीट किया जा सकता है, और आगे जाके कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन मिसिंग इन्फॉर्मेशन लग रही है उसमें एक दो बार पढ़ने के बाद में, प्लीज़ मेक श्योर कि आप अजम्पशन ले और आगे बढ़े. बीच में अटकने से कुछ नहीं होगा, इंस्टीट्यूट आपको कोई मार्क्स एक्स्ट्रा नहीं देने वाली, ना ही कोई क्लैरिफिकेशन, ना ही कुछ. सो द बेस्ट एंड द ओनली वे यू कैन सजेस्ट टू योर फ्रेंड्स एंड योर जूनियर्स ऑल्सो, अजम्पशन लो, क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करो और आगे बढ़ो. पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है. बट प्रैक्टिकली अगर मैं बोलूँ तो वो एग्ज़ाम की जो सिचुएशन होती है जहाँ पे बच्चा बैठा हुआ रहता है वहाँ पे थोड़ी बहुत गड़बड़ हो ही जाती है. कितना भी हम आज मैं आपको इस वीडियो में बोल लूँ या आज आप सामने स्क्रीन के सामने बैठ के सोच ले कि हाँ ठीक है मैं ऐसा करूँगा, लेकिन एग्ज़ाम में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो ही जाती है. सो देर इज़ नो सोल्यूशन फॉर दैट. लेट्स डिस्कस वन बाय वन क्या क्या मिस्टेक्स थी और हम इंस्टीट्यूट ने बेसिकली क्या क्या उसका सॉल्यूशन किया. सो क्वेश्चन नंबर वन सजेस्ट. अच्छा, मैं एक दो चीज़ें मेरी भी मिस्टेक्स बताऊंगा जो मैं एक्चुअल में भूल गया सजेस्टेड आंसर निकालते समय पे. आई अपोलोजाइज फॉर दैट, स्ट्रांगली अपोलोजाइज फॉर दैट. एंड क्वेश्चन नंबर वन ए मैं लेता हूँ. क्वेश्चन नंबर वन ए और इंस्टीट्यूट का आंसर मेरा आंसर सेम है, सिवाय एक के कि मैंने जो लास्ट लाइन लिखी थी क्वेश्चन में कि मार्जिन 5 पैसे का कंसिडर करना है, वो मैं लाइन पढ़ना भूल गया और मैंने फटाक से आंसर निकाल के दे दिया था, तो वहाँ मेरा आंसर थोड़ा सा वेरी करेगा इंस्टीट्यूट के आंसर से. बाकी अदरवाइज़ क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपने अगर वो 5 पैसा कंसिडर करके निकाला होगा तो इट्स वेल एंड गुड, आपका आंसर सही रहेगा. क्वेश्चन नंबर 1B में भी कोई दिक्कत नहीं थी, 1B पूरी तरह से सही था, कोई एग्ज़ाम में भी दिक्कत नहीं थी, और सजेस्टेड आंसर भी अगर आप मैच करोगे पहले वाले भी अभी वाले भी, जैसे मतलब मेरे वाले या फिर अभी इंस्टीट्यूट के, तो यू विल गेट द सेम आंसर. मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1C की जो था इकोनॉमिक वैल्यू एडेड वाला क्वेश्चन. कुछ चीज़ें इसमें बहुत ही मिसिंग आप बोल सकते हो, लेकिन कुछ अजम्पशन पे मैंने आपको सोल्यूशन दिया था. मैंने आपको दो सोल्यूशन दिए थे, एक ऑल्टरनेटिव टैक्स इग्नोर करके और दूसरा टैक्स 30% अज्यूम करके. इंस्टीट्यूट ने टैक्स इग्नोर करके जो ईवी आता है वो निकाल के दिया है आपको सजेस्टेड आंसर में. सो इफ़ यू आर कंसिडरिंग अजम्पशन ऑफ 30% टैक्स ऑल्सो, इट विल ऑल्सो बी करेक्ट. हाँ, कुछ चीज़ें थी जो जैसे 84 करोड़ का रेवेन्यू, ये जो सारे अजम्पशंस मैं आपको लिख के दिया था यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1C में, ये सारे अजम्पशंस वैलिड है क्योंकि इसी के भरोसे अपन ने आंसर निकाला है और सेम आंसर इंस्टीट्यूट का आ रहा है. मैं आपको बता देता हूँ, सी अगर टैक्स इग्नोर करके हम ईवीए निकाले तो 7.96 आ रहा है यहाँ पे, WACC 10.86 और 700 करोड़. ठीक है, अगर आप ध्यान देंगे 84 करोड़ की इनकम उस पर आप 10.86% से 700 करोड़ पे लगाओगे तो तकरीबन 76.02 आता है. द फाइनल इकोनॉमिक वैल्यू एडेड इज 7.96. इंस्टीट्यूट ने सर क्या आंसर दिया? वन सी. इंस्टीट्यूट का भी आंसर 8.05 है. 7.96, 8.05, ये जो स्लाइट वेरिएशन आ रहा है ना आपको 0.09 का, वो आ रहा है सिर्फ और सिर्फ ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड. 10.85 यहाँ पे दिख रहा है इंस्टीट्यूट ने जो लिया है, और हमने जो कैलकुलेशन किया था वो 10.86 आ रहा है. सो दैट इज़ राउंडिंग ऑफ डिफरेंस, दोनों आंसर फिर भी करेक्ट रहेंगे.
ये जो पार्ट है इंस्टीट्यूट ने इसको 10.85 कैलकुलेट किया है, हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था 10.86, बस इसी का डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों आंसर सेम आ रहे हैं। तो ये सारे जो अजम्पशंस है सजेस्टेड आंसर में जो मैंने आपको दिए थे, ये सारे अजम्पशंस वैलिड रहते हैं, मतलब आप ये अजम्पशंस दे सकते थे, बोल सकते हो। आगे उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1D जो फ्रंट एंड लोड और एग्जिट लोड था, ये भी सही था, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 2A की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2A बस छोटी सी मिस्टेक थी आप बोल सकते हो, या फिर मतलब क्लैरिफिकेशन था, मिस्टेक भी नहीं बोल सकते क्वेश्चन में। सो बहुत ही छोटी सी चीज़ होने की वजह से आंसर तो वैसे भी नहीं बदलता उसका, भले आप कुछ भी कंसिडर करते। सो आंसर सारे मैच कर रहे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं क्वेश्चन नंबर 2B पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2B अगर आपको पता होगा तो वो म्यूचुअल फंड वाला क्वेश्चन था, और म्यूचुअल फंड वाले क्वेश्चन में नेट असेट वैल्यू लिखने की जगह इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पेपर में नेट प्रेजेंट वैल्यू लिख दिया था। दैट्स इट, नथिंग बट प्रिंटिंग मिस्टेक, एक लेटर की प्रिंटिंग मिस्टेक है, इट्स नॉट अ बिग डील। कोई भी अगर जेन्युइन पर्सन रहे तो वो ये चीज़ कंसिडर करेगा कि चलो ठीक है, ये नेट असेट वैल्यू ही होगा, क्योंकि पूरा का पूरा क्वेश्चन म्यूचुअल फंड का है। नो एक्स्ट्रा क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट फॉर दिस। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2B, ये चालू हो गया क्वेश्चन नंबर 2, ये बी, मैं आपको बी वाला पार्ट दिखा देता हूँ, ये बी वाला पार्ट शुरू हो रहा है, ठीक है। तो बी वाले पार्ट में इंस्टीट्यूट ने कोई एक्स्ट्रा वो नहीं दिया क्लैरिफिकेशन। आगे बढ़ते हैं, मेन गलतियाँ आने बाकी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान देना, मैं आपको बताता हूँ कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। क्वेश्चन नंबर 3A क्या था मैं आपको बताता हूँ। ये वाला क्वेश्चन था, अच्छा इसमें मेन दिक्कत क्या थी पता है क्या, क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने स्पॉट रेट मार्च के दिए थे, जबकि ऑलरेडी जो पीरियड चालू था, मंथ जो डेट्स दी हुई थी वो अप्रैल के स्पॉट रेट्स आपको दिए हुए थे, और फिर भी इंस्टीट्यूट ने वहाँ पे स्पॉट मार्च लिखा था, ठीक है। ये दिक्कत हो गई कि आज अगर अप्रैल चल रहा है तो आप फॉरवर्ड रेट्स मार्च के कैसे दे सकते हो पीछे जाके। सो इंस्टीट्यूट ने ये मिस्टेक एक्सेप्ट की, बट इंस्टीट्यूट ने एक चीज़ कर दी जिससे, मतलब जो मैंने सजेस्टेड आंसर दिया था वो वेरी कर रहा है। मैंने क्या किया था मैं आपको पहले ये चीज़ बता देता हूँ, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो स्पॉट मार्च अप्रैल मई जून लिखा हुआ है, ठीक है। हमने ये माना था कि ये मार्च गलत है, फिर भी उसको हमने कैंसिल नहीं किया, मतलब है जैसा वैसा ही रहने दिया। अप्लीकेबल रेट्स थे अप्रैल के, तो मैंने आपको जो सजेस्टेड आंसर दिया उसमें अप्रैल जो सेकंड रो दिख रही है मार्च के बाद में उसके रेट्स लिए, और उसके हिसाब से ये 63.5275 और 63.5675 ये आंसर्स लेके मैंने आपको सजेस्टेड आंसर दिए थे, क्योंकि अप्रैल के रेट अप्लीकेबल होने चाहिए थे। लॉजिकली ये सही है, इंस्टीट्यूट ने भी यही किया है कि अप्रैल के ही रेट लगाए, लेकिन इंस्टीट्यूट ने क्या चेंज कर दिया, एक एक महीना ऊपर शिफ्ट कर दिया। इंस्टीट्यूट ने अपने सजेस्टेड आंसर में मार्च को अप्रैल कर दिया, अप्रैल को मई कर दिया, मई को जून कर दिया, जून को जुलाई कर दिया, तो उससे क्या हो गया, अप्रैल के जो रेट लेने थे अब वो ऊपर वाले रो में शिफ्ट हो गए, 63.3975 और 63.4275। मैं आपको बताता हूँ ये वाले 63.2775 भी इंस्टीट्यूट का क्लैरिफिकेशन बताता हूँ मैं पहले आपको। क्वेश्चन नंबर 3A ना, ये सजेस्टेड आंसर्स है इंस्टीट्यूट के, फैक्टरिंग कहाँ से शुरू हो गया, ये देखो इन्होंने आंसर में नहीं, इन्होंने क्वेश्चन के नीचे ही सजेस्टेड आंसर में क्वेश्चन के नीचे ये चीज़ लिखी है, ध्यान देना। अब यहाँ पे इन क्वेश्चन पेपर दिस मंथ एंड कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स वर मिस्टेकनली प्रिंटेड एज प्रीवियस मंथ, तो मैं आपको यहाँ पे आके बताता हूँ। ये देखो अभी अगर आपको देख रहा है अप्रैल के सामने स्टार मार्क है, इंस्टीट्यूट ने सजेस्टेड आंसर में अप्रैल मई जून जुलाई लिया, लेकिन क्वेश्चन पेपर में मार्च अप्रैल मई जून था, उन्होंने एक महीना ऊपर शिफ्ट कर दिया, ठीक है, और सारे के सारे आंसर्स आपके बदल जाएंगे अकॉर्डिंगली, तो मेरे भी आंसर अकॉर्डिंगली आपके सजेस्टेड से मैच नहीं करेंगे। सो दिस इज़ अ चेंज, मतलब यस इंस्टीट्यूट ने एक्सेप्ट किया यहाँ पे मिस्टेक, बट ये अब यहाँ पे बच्चों ने क्या किया होगा, बच्चों ने कुछ कुछ बच्चों ने क्या किया होगा, मार्च के रेट लेके सॉल्व कर दिया होगा, उनको सारे मार्क्स मिल जाएंगे। कुछ कुछ बच्चों ने अप्रैल का रेट सॉल्व किया होगा, उनको भी मार्क्स मिलने चाहिए लॉजिकली, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने अप्रैल का रेट वो दिया था, भले ही मिस्टेक इंस्टीट्यूट की तरफ से थी, लेकिन इन दोनों में से अगर कोई भी रेट अगर सॉल्व करके इंस्टीट्यूट ने बच्चों ने किया हुआ है तो
मार्क्स मिलने चाहिए। अब ये पता कैसे चलेगा, इंस्टीट्यूट ने तो क्लैरिफाई किया नहीं कुछ भी। मैं आपको बताता हूँ, मेरी आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है, जैसे ही आपका रिजल्ट आता है प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसकी स्कैन कॉपी मंगाएं, SFM की स्कैन कॉपी मंगाओ, मुझे मेल करो। मैं आप एक एक करके अपनी मेल करोगे तो मेरे पास तकरीबन 50 कॉपीज़ आएगी, 50 कॉपीज़ तक मैं चेक करता हूँ हर अटेम्प्ट में, और मैं आपको वापस भेजूँगा भी वो चीज़ कि मार्क्स कहाँ कम ज़्यादा हुए, प्लस इनका एक समरी बना के मैं एक वीडियो भी डालूंगा कि इंस्टीट्यूट ने ऐसे वेरिएशन में क्या दिया, मतलब सही में मार्क्स दिए है क्या, मार्च वाला कंसिडर करने पे मार्क्स दिए या अप्रैल वाला कंसिडर करने पे मार्क्स दिए, दो आंसर अलग अलग है तो दोनों पे मार्क्स मिले हैं या नहीं मिले, तो ये चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। मेरी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ज़रूर स्कैन कॉपी मंगवाना। सो ये एक बहुत बड़ा इशू था जो इंस्टीट्यूट ने इस तरह से सॉल्व किया, एक एक मंथ ऊपर सरका के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3A में ये दिक्कत थी, मैं 3B की बात करता हूँ। 3B वाला क्वेश्चन फैक्टरिंग का था, फैक्टरिंग के क्वेश्चन में कमीशन वाली अमाउंट मिसिंग थी, ठीक है। अब इंस्टीट्यूट ने क्या किया, इंस्टीट्यूट ने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि कमीशन वाली अमाउंट मिसिंग, कमीशन वाला इन्फॉर्मेशन जो है वो मिसिंग है। बिना किसी अजम्पशन के, बिना किसी और क्लैरिफिकेशन के इंस्टीट्यूट ने वो क्वेश्चन सॉल्व किया। अब देखो क्या होता है, थ्री बी ये देखो, अब मैं अगर आपको बताऊं तो नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग, अच्छा दो अल्टरनेटिव दिए क्योंकि क्वेश्चन में क्लैरिफिकेशन नहीं था रिकोर्स है कि नॉन रिकोर्स है, तो इंस्टीट्यूट ने दोनों तरीके से आंसर दिया। मेरा ये बोलना होता है कि अगर जब तक क्लैरिफिकेशन नहीं हो तब तक आप उसको नॉन रिकोर्स मान के चलो, तो हमने नॉन रिकोर्स मान के आंसर निकाला था। मैं आपको नॉन रिकोर्स वाला अल्टरनेटिव दिखाता हूँ, अगर आपने रिकोर्स से भी किया तो भी आंसर सही है क्योंकि ऊपर इंस्टीट्यूट ने रिकोर्स करके कंसीडर किया हुआ है। चलो नॉन रिकोर्स में बात बताता हूँ। अब नॉन रिकोर्स वाली बात में अगर आप ध्यान देखोगे तो सबसे पहले उन्होंने फाइनेंसिंग कॉस्ट लिए 1.6336, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट की सेविंग, बैड डेब्ट की सेविंग, टोटल बेनिफिट लिया और एडिशनल इंटरेस्ट लिया, और बाद में बताया कि 6.5004 आ रहा है और हमने एक्सेप्ट करना चाहिए फैक्टरिंग का प्रपोजल। ये जो फाइनल डिसीजन लिया है ना ये गलत है, अभी भी मैं आपको ये चीज़ बोल के चल रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट ने ये जो सजेस्टेड आंसर दिया ये गलत है। सिर्फ मार्क्स पर्पस के लिए बोलो इट्स ऑल ओके कि इन्फॉर्मेशन इतनी दी तो हमने इतना किया, मतलब अगर इंस्टीट्यूट बोल रही है कि भैया इंस्टीट्यूट ने इन्फॉर्मेशन ही दी है, मतलब एक इंसान की पिक्चर दी है और उसको एक ही हाथ है और आप बोलते हो कि भैया बताओ कितने हाथ होते हैं इंसान को, तो आप दो लिख के आए हो, वो गलत हो जाएगा। ऐसा आंसर है कि एक हाथ दिया है तो एक ही मानेंगे, मार्क्स मिलने चाहिए बेसिकली, तो ये चीज़ गलत है। क्यों मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि आप यहाँ पे डिसीजन ले रहे हो ना एक्सेप्ट द फैक्टरिंग प्रपोजल। मैं प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा डिसीजन ले लूँगा ना मेरा 6 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा, 6-7 लाख 4 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे एक प्रैक्टिकल चीज़ नहीं कंसिडर कर रहा हूँ जो कि होती है हमेशा, वो है कमीशन जो फैक्टरिंग को, फैक्टर को देनी पड़ती है। हमने क्या किया था सर, हमने फैक्टरिंग कमीशन अज्यूम किया था 2% का, सो 540 पे 2% तकरीबन 10.80 आता है। अगर आप ध्यान दोगे थोड़ा सा, इंस्टीट्यूट का आंसर 6.5 पॉजिटिव आया, लेकिन अगर इंस्टीट्यूट उसमें से माइनस करती ना 10.80 का कमीशन, अगर इंस्टीट्यूट उसमें से 10.80 का कमीशन माइनस करती तो आंसर आता है -4.3, और यही आंसर था जब हमने सजेस्टेड आंसर्स निकाला था, -4.3। मतलब अगर आपने अज्यूम किया तो -4.3, नहीं किया तो 6.5। ये भी मेरे को सजेस्टेड आंसर, जो स्कैन कॉपीज रहेगी आपकी पेपर चेक होने वाली उसमें मैं देखूंगा कि इंस्टीट्यूट ने कैसे उसको ट्रीट किया, अगर किसी ने अजम्पशन लिया है तो। ये एक मिस्टेक का इंस्टीट्यूट ने इस तरह से ट्रीट किया, और अलग मिस्टेक थी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4A, एक क्वेश्चन था जिसमें आपको पता है आपको रिटर्न निकालना था कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल से, और लास्ट वाले कॉलम में मार्केट प्राइस ऑफ डिविडेंड लिखा हुआ था, दैट वाज जस्ट अ प्रिंटिंग मिस्टेक, उससे एक्चुअल में आंसर्स नहीं बदलते। सो वो मिस्टेक पे कोई इंस्टीट्यूट ने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया और वो आगे बढ़ा लिया हमने। मार्केट प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी होनी चाहिए थी, वो मार्केट प्राइस ऑफ द डिविडेंड की जगह पे, ठीक है, इट्स अ प्रिंटिंग मिस्टेक ओनली, आंसर्स पे या कैलकुलेशन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता था, तो इतना बड़ा कुछ था नहीं इसलिए इंस्टीट्यूट ने कोई क्लैरिफिकेशन दिया नहीं। क्वेश्चन नंबर 4A देखते हैं, 4A ये देखो 4A शुरू हो रहा है, यहाँ पे कहीं पे भी मेरे को कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिखा इंस्टीट्यूट की तरफ से, नो ठीक है।
फोर बी की बात करते हैं, फोर बी में कोई दिक्कत नहीं, मॉडिगल यानी मिलर मॉडल पे क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, यू कुड हैव सॉल्व इट इजीली। फाइव ए लीज रेंटल, लीज रेंटल भी सेम है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन ज़रूर था काफ़ी सारे बच्चों का, जो जब मैंने सजेस्टेड आंसर निकाले थे तो उसमें मैंने 10 लाख रुपीज़ की जो सैलवेज वैल्यू थी उसको मैंने उस पर मैंने टैक्स और लगाया था, मतलब कि भैया हाँ ठीक है इसमें टैक्स सेविंग वगैरह अलग से होएगी। बच्चों का बहुत सारे आप लोगों की क्वेरी ये थी कि सर उसमें ना क्वेश्चन में एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो लास्ट वाली फिगर पढ़ो, ये यहाँ से पढ़ना शुरू करो, द नेट पढ़ रहा है आपको दिख रहा है, द नेट सैलवेज वैल्यू ऑफ द व्हीकल एट द एंड ऑफ 6 ईयर्स विल बी 10 लाख रुपीज़। चलो क्वेश्चन ने क्या लिखा, द नेट सैलवेज वैल्यू विल बी 10 लाख रुपीज़। मैक्सिमम लोगों ने उसको ये अज्यूम किया कि भैया ये सैलवेज वैल्यू टैक्स माइनस करने के बाद की फिगर है, जबकि ये गलत है, ये अजम्पशन ही गलत है। सैलवेज वैल्यू पे टैक्स नहीं लगता, आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉस पे हो रहा होगा तो उस पे टैक्स लगता है, तो उसको नेट बता सकते हो, आप कैश फ्लो को नेट नहीं बता सकते, नेट ऑफ टैक्स, तो वो अजम्पशन गलत था। तो सर इनका नेट का बोलने का मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूँ। कोई भी मशीन अगर कहीं पे भी लगी रहती है तो उसको बेचने के लिए कुछ खर्चा भी होता है। सो लेट से मैं मान के चलता हूँ कि खर्चा था 1 लाख रुपये का और उसकी सैलवेज वैल्यू थी 11 लाख रुपये की। सो 11 लाख रुपये का खर्चा, सॉरी इनका सैलवेज वैल्यू आने वाली थी, 1 लाख रुपये का खर्चा लगने वाला था, तो नेट में कितना आया, 10 लाख रुपये। ये वो चीज़ है, आर यू गेटिंग इट, दिस इज वॉट मतलब इन, वो आपका जो खर्चा लगने वाला, कैश आउटफ्लो होने वाला होता है ना उस टाइम पे उस चीज़ के लिए, वो चीज़ कंसिडर हो जाती है। सो दिस इज नेट, तो आपको उस पर टैक्स लेने की ज़रूरत नहीं थी। इंस्टीट्यूट ने भी मतलब टैक्स लेने की ज़रूरत थी अलग से, नेट मतलब ये कंसिडर नहीं करना था आपने कि ये नेट ऑफ टैक्स होगा। इंस्टीट्यूट ने भी यही चीज़ किया, इंस्टीट्यूट ने अलग से उस पर टैक्स का ट्रीटमेंट लिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे 690,824 कैलकुलेट किया है, जिसका वो कैलकुलेशन नीचे में दिया है, 10 लाख माइनस डब्ल्यू, ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आ रहा है 10 लाख माइनस 116,640 पे 35% लगा है, यानी कि ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आया उस पे 35%, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस पे जो टैक्स सेविंग हुई वो आया, और टैक्स सेविंग नहीं, टैक्स का पेमेंट है बेसिकली, वो आया और 10 लाख में से आपने माइनस किया वो चीज़। सो मतलब टैक्स अलग से ट्रीट हुआ है, इग्नोर नहीं करना, ठीक है। लीज रेंटल इनका आया है 10,15,022 एज द फाइनल लीज रेंटल, मेरा आया था कुछ 10,03,000 के आसपास। क्यों? क्योंकि मैंने दो डिजिट में राउंडिंग ऑफ करके दो डेसिमल्स में काम किया था, आंसर निकाला था, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था। अब इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे क्या किया, सारे फिगर्स पूरे फिगर लिए 115,267, सो कहीं पे भी दो डिजिट में राउंड ऑफ करके नहीं लिया हुआ है, ठीक है। हमने शायद ये अजम्पशन दिया था, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये नोट मैंने लिखा था यहाँ पे, कैलकुलेशन फॉर अमाउंट्स आर मेड अप टू 2 decimals। अगर मैंने नोट लिखा है और मैंने वैसे कैलकुलेशन किया, आंसर कितना आया था उसमें, टू 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 10.03, और इंस्टीट्यूट का आंसर था कुछ 10.15, सो वो उसी की वजह से डिफरेंस आ रहा है, राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है बेसिकली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5B, सबसे बड़ी मिस्टेक पूरे क्वेश्चन SFM पेपर की वो थी क्वेश्चन नंबर 5B में, जो एक मर्जर्स का क्वेश्चन बोल सकते हो, या फिर आप बेसिकली जो प्रोमोटर्स होल्डिंग वाला क्वेश्चन था वो बोल सकते हो। इंस्टीट्यूट ने प्रोमोटर्स होल्डिंग की इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं दी थी और क्वेश्चन को सॉल्व करना इम्पॉसिबल हो गया था, अनलेस एंड अनटिल आप कोई अजम्पशन लो। इंस्टीट्यूट ने सर क्या किया, ध्यान देंगे इस पे, सिंस द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोमोटर्स होल्डिंग इज मिसिंग इन द क्वेश्चन अबव सॉल्यूशन इज बेस्ड ऑन अजम्पशन ऑफ प्रोमोटर्स होल्डिंग एज 80%, हाउएवर स्टूडेंट कैन अज्यूम एनी परसेंटेज अदर दैन 80% एंड सॉल्व द क्वेश्चन अकॉर्डिंगली। मतलब एक है, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, आपको मार्क्स मिलेंगे अगर आपने कोई भी अजम्पशन ले लिया हो प्रोमोटर्स होल्डिंग का। हमने क्या किया था सर, सजेस्टेड आंसर जब मैंने आपको प्रोवाइड किए थे, हमने भी वही प्रोमोटर्स होल्डिंग 80% अज्यूम किया था, इत्तेफाक से 80% मैच कर रहा है, मेरे पे शक मत करने लग जाना इसी बात पे कि सर आपका कुछ वहाँ पे पहुँच वहुँच है क्या, मैं बता रहा हूँ फ्रैंकली मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं है इंस्टीट्यूट वालों से। ये भी मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको दी थी, 80% ने हमने अज्यूम किया था, मेरे को लॉजिकली 80% लग रहा था। अब मैं आपको बताता हूँ गेस था वो बेसिकली 70-75% तो होना ही मांगता, तो उसके ऊपर 80, 90, 95, 100 ऐसे ऑप्शंस बचते थे, सो मोस्ट अप्रोप्रिएट मेरे को 80 लगा, तो मैंने 80 लिया था, दैट इज़ व्हाट द फाइनल आंसर बाय द इंस्टीट्यूट ऑल्सो। लेकिन अगर आप कोई भी अजम्पशन लेते द आंसर विल बी
करेक्ट. सो ये बेसिकली उसका मेन सॉल्यूशन है. तो मेरे हिसाब से पूरे वीडियो का जो मुद्दा है क्वेश्चन नंबर 5B पे था. क्वेश्चन नंबर 5B ये बोलता है कि 80% अजम्पशन लो. आप कोई भी और अजम्पशन लो, आपका आंसर फिर भी सही रहेगा. लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करो. पूरे जितने भी मैंने अभी तक आपको मिस्टेक बताई उसमें से एक चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए कि हमने अजम्पशन लेना है कहीं पे भी अगर इन्फॉर्मेशन हमको मिसिंग लग रही है. तो अगर आप अजम्पशन नहीं लेते और फिर भी सॉल्व नहीं करते तो डोंट एक्सपेक्ट द मार्क्स. दिस इज़ व्हाट द इंस्टीट्यूट इज सेइंग. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ था क्या? मैं एक बार अब ओवरव्यू कर लेता हूँ. 6 में कुछ नहीं था. आंसर सारे मैच कर रहे हैं अपने भी और इंस्टीट्यूट के भी. क्वेश्चन नंबर 6B भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और एग्जैक्टली वैसे ही इंस्टीट्यूट ने सॉल्व किया है. मतलब हमने क्रॉस चेक अगर हम करके देखना चाहें यहाँ पे तो 992 दो आंसर आते हैं. एक दो क्वेश्चन पूछे थे इंस्टीट्यूट ने. एक आंसर है मार्केट प्राइस 992 का और बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड 6.045 का. ठीक है. सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इंस्टीट्यूट ने भी सेम उसी तरीके से किया है. अगर आप देखोगे तो यहाँ 992 की इंस्टीट्यूट ने प्राइस निकाली 992.50 एंड देन उन्होंने बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड निकाला 6.045 था. तो ये 6.05 आ गया. सो 6% पे हमने निकाला. इंस्टीट्यूट ने दो एट द रेट ऑफ 8% पे निकाल के आपको दिया हुआ है. सो दिस इज़ इट. दिस इज़ द फाइनल. अब आगे तो थेरी आगे थेरी कोई डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है. सारी की सारी थेरी तो नॉर्मल आप लिख ही सकते हैं, सेम ही रहेगी. सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑल द मिस्टेक्स इंस्टीट्यूट ने क्या किया. कंक्लूजन अगर लेना है ना आपको इस वीडियो से या फिर जो एक्सपीरियंस था आपका पास्ट एग्जाम से, एक चीज़ हमेशा याद रखना, अजम्पशन दो, आगे बढ़ो, नोट जरूर दो. सर मैंने क्या किया था, जैसे मेरे को भी नहीं पता था, ठीक है, मुझे भी नहीं पता था इंस्टीट्यूट क्या करने वाली है क्या नहीं करने वाली है. आपको मैंने जब सजेस्टेड आंसर दिया हर जगह रेड में नोट कर करके दिया. आपने रेड पेन यूज़ नहीं करना एग्जाम में, बता रहा हूँ, मार खाओगे. हर क्वेश्चन के नीचे में मैंने या स्टार्टिंग में मैंने नोट डाली है कि मैंने इसको ये अज्यूम किया, मैंने उसको ये अज्यूम किया, मैंने उसको ये अज्यूम किया. आप यही चीज़ आपको करनी है, अज्यूम करो, छोड़ो मत क्वेश्चन को. सो छोड़ दोगे तो वो तो वैसे ही आपको कुछ भी चेक नहीं होना नॉलेज के आता है कि नहीं आता है. कुछ अजम्पशन लेके करोगे तो मे भी हो जाएगा. चांसेस ऐसे कम है कि ऐसे मिस्टेक्स बार बार होगी. ज़्यादा केयर की जाएगी और आने वाले 5-6 अटेम्प्ट में तो बिल्कुल भी नहीं होगी. आगे आने वाले 10 साल में अगर कुछ हुई तो हुई, ऐसे वाली बात है. सो दैट्स ऑल फॉर ऑल दिस. देर इज़ वन रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड दैट प्लीज़ मेक श्योर दैट यू कॉल कॉपी स्कैन कॉपीज ऑफ दिस SFM मई 2018 मुझे मेल करो. सबसे पहले 50 मेल जो आएंगे उन्हीं के पेपर्स मैं चेक करूँगा. बाकी के पेपर मैं चेक नहीं कर पाऊंगा. मोस्ट प्रोबेबली उनको रिप्लाई ज़रूर जाएगा हर एक को कि पेपर चेक नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ द लिमिट्स हैज एक्सीडेड. बट सारे के सारे पेपर से एक चीज़ ज़रूर निकालेंगे अपन कि इंस्टीट्यूट ने क्या, अगर कोई आंसर अलग आया है इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड से, अगर आंसर किसी ने अलग लिखा और मार्क्स मिले हैं तो वो क्या था. तो इसमें मैं अकेला हेल्प नहीं कर पाऊँगा, आप लोगों को भी मदद करनी पड़ेगी. प्लीज़ मेक श्योर कि आप स्कैन कॉपी बुलाएं, भेजें सारे एक एक करके. आप एक जन भी भेजोगे ना तो एक एक करके, अगर पूरे इंडिया से, वैसे तो बहुत आती है हर बार, 50 कॉपीज चाहिए मेरे को ऑन एन एवरेज निकालने के लिए. मैं ज़रूर आपके सामने एक वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा जिसमें ये बताऊँगा इंस्टीट्यूट ने वेरी जब किया आंसर तो कहाँ पे मार्क्स दिए हैं और कहाँ पे मार्क्स नहीं दिए. सो मेक श्योर यू, इट विल बी हेल्पफुल टू यू ऑल्सो एंड फॉर द एंटायर कंट्री ऑल्सो. बाय बाय.